हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशली एक वीडियो आपके लिए लेकर आए और एक तरह से ये हमारी नई पहल है वाइज मध्य प्रदेश का। आज इतिहास हम कवर करने वाले हैं, टॉप 100 एमसीक्यू में हम लगाएंगे। अब ये जो वीडियो रहेगा ये आपका सुपर फास्ट भी रहेगा प्लस डिटेल्ड भी रहेगा। तो नए नए क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, नए लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामना होने वाला है। सो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का हमारा शानदार वीडियो। गाइस, हमारा शानदार वीडियो को स्टार्ट करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर रहा है ये है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से सही कथन आपको बताना है, परिव्राजक सुंगों के सामंत थे जिस वंश का पहला अभिलेख खो में पाया गया था। प्रमुख शासक ध्रुवसेन बालादित्य परिव्राज सन जो वंश था इससे संबंधित है। तो देखिए, इनमें से जो सही कथन है ये आपको पहचानना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। इनमें से केवल एक ही कथन सही है। कौन सा? इनमें से केवल एक ही कथन सही है और वो कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ये दूसरा जो है ये जो राजक है वंश, ये इस वंश का पहला अभिलेख खो में पाया गया था, ये आपका सही है। बाकी ये दोनों जो है ये गलत है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो देखिए, ये आपको थोड़ा सा चीजें समझनी रहेगी। परिव्राजक जो वंश है ये गुप्तों के सामंत थे, ध्यान रखिएगा, ना कि सुंगों के सामंत थे। और इन्होंने जो है मध्य भारत के क्षेत्र में शासन किया था। पहला जो अभिलेख इनको मिला था ये इनको प्राप्त हुआ था, ये खो से प्राप्त हुआ था। महाभारत हस्तिन से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है ये किसके सामंत थे, तो ये इसके गुप्तों के सामंत थे, ना कि सुंगों के। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। धनपाल वाक्यति मुंज के पुरोहित थे, दस रूप की रचना धनपाल ने की, मुंज प्रतिदेश व्यवस्था नामक पुस्तक समकालीन साहित्य की कृति है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा केवल एक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब रहेगा, धनपाल वाक्यति मुंज के पुरोहित थे, ये आपका कथन सही है। बाकी ये दोनों जो कथन है ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें गाइस, हमने स्पेशली ई बुक लॉन्च कर दी है मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की। इस बच्चा काफी अच्छे स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। अगर इसका डेमो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाकर एप्लीकेशन पर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुके हैं। अब तक की सबसे एडवांस लेवल की ई बुक ये है। इसके अलावा एमपीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं जिसमें पूरे 70 टेस्ट है। तो आप डेमो जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा। डेमो के साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एफएलटी के बारे में, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सभी वहीं पर आपको डेमो के फॉर्मेट में ही मिलेगी। पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है एप्लीकेशन पर, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर से कीजिएगा और एक टेस्ट दीजिएगा, डेमो टेस्ट हमने डाला है वो भी आप जरूर से देख लीजिएगा, आपको आई थिंक पसंद आएगा। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसके अलावा 2021 और 2020 की भी ईबुक अवेलेबल है, साथ ही एमपीजी के स्पेशल कोर्स भी हमारा है जिसमें टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल तीनों इंक्लूड है। ये कोर्स पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है, आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी की दे रखी है। अगले क्वेश्चन हमारा निकल कर रहेगा, मेगास्थनीज ने मध्य प्रदेश की किस नदी को प्रीनास कहा है। देखिए, मेगास्थनीज के द्वारा जो प्रीनास कहा गया मध्य प्रदेश की जो नदी है इसका नाम बताना है, और यह नदी है टॉस नदी जिसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा समझ जो कि सही जवाब यहां से रहेगा। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है इसमें मध्य प्रदेश की दो नदियों का उल्लेख मिलता है, एक तो आपकी ये टोंस यानी प्रीनास और दूसरी है आपकी केनास, केनास और एक प्रीनास, दो नदियों का उल्लेख मिलता है इंडिका में जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की दो नदियों का उल्लेख, एक प्रीनास का दूसरा केनास का। तो प्रीनास को बेसिकली टोंस या तमसा के नाम से जाना जाता है जो कि सतना से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भोज द्वारा की गई। भोज द्वारा जो रचित रचनाएं हैं इनमें से ये आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 या 4। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी जो है सही रहेंगे क्योंकि ये सभी जो रचनाएं हैं ये राजा भोज के द्वारा ही रचित है या उनकी ही रचनाएं हैं। अवंती कुमार शतक, दंड नीति, महाकाली विजय चारुचर्य, ये सभी इनकी ही रचनाएं। इनके अलावा और कई सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे सरस्वती, कंठाभरण, चंपूरा संग्रार मंजरी, विद्यापीठ, विद्या विनोद, ये जो सभी ग्रंथ लिखे हैं ये राजा भोज के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो ये सभी रचनाएं ये इनकी हैं। आगे से अगर आपसे पूछे जाए तो आपके लिए कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शुंग शासक को हर्ष चरित्र में अत्यंत विषयी, सदैव मदिरा एवं स्त्री प्रसंग में व्यस्त रहने वाला कहा गया है। हर्ष चरित्र में कहा गया है शुंग शासक ये थे, इनको कहा गया है। तो नाम आपको बताना है कि किस शुंग शासक को कहा गया है। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा देवभूति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, देवभूति। देवभूति जो थे शुंग शासक थे, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसके जो अमात्य थे वासुदेव ने उसे सिंहासन से हटा दिया था। और हर्ष चरित्र में देवभूति के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि ये अत्यंत विषयी, सदैव मदिरा, स्त्री प्रसंग में व्यस्त रहने वाला शासक था। तो शुंग वंश से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बलका यानी आधुनिक बाघ के महाराज गुल्लंड किस
गुप्त शासक के समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे ये थे समुद्रगुप्त के समकालीन। समुद्रगुप्त से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। मालवा और अवनूप जो क्षेत्र थे इसमें बाघ के शासकों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रमुख शासक बुलुण समुद्रगुप्त के समकालीन इसमें के साथ में रहे थे। निम्न में से कौन सा कथन नाग वंश के बारे में सत्य नहीं है? इनमें से नाग वंश के बारे में सत्य कथन नहीं है। देखिए सत्य नहीं पूछा है, ये सभी सत्य है आपको दे रखा है। चार आप तीन आपको सत्य दे रखे, एक आपको गलत दे रखा होगा, वो गलत आपको पहचानना है। तो गलत जो है ये है, वासुनाग द्वारा राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की गई थी, ये आपका गलत है। और हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी ये सभी जो है ये गलत हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हम थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करवा दें कि वासुनाग द्वारा राजधानी विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की गई थी ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। वृषनाग का उत्तराधिकारी भीमनाग राजधानी विदिशा से पद्मावती ले गया था, तो ये भीमनाग था ना कि वासुनाग, ध्यान रखिए। निम्न में से कौन हर्ष के प्रशासन में हस्ती सेना का प्रमुख सेनापति था? तो हर्ष के प्रशासन में हस्ती सेना का प्रमुख सेनापति जो था ये कौन था? ये था कटुक। कटुक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान कलचूरी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित है? महान कलचूरी शासक कृष्णराज जो संबंधित है ये महिष्मती शाखा से संबंधित है, तो यहाँ से भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किस परमार शासक ने विदिशा जिले में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा उदय आदित्य के द्वारा ही विदिशा में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये विदिशा के उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, और पूर्वाभिमुख भूमिज शैली का मंदिर ये है। विस्तृत चरित्र नामक प्राचीन पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये जो वंश है इसकी जानकारी मिलती है कलचूरी वंश की, ध्यान रखिएगा। विस्तृत चरित्र नामक एक प्राचीन पुस्तक से कलचूरी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परमार वंश के शासक के काल में देवास का शासक विजयपाल ने स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी। अब चंदेल सामंत मदन वर्मन ने बलपूर्वक विदिशा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो ये जो किया था ये किया था, देखिए किसने किया था, तो सामंत चंदेल सामंत है, मदन वर्मन, इन्होंने बलपूर्वक विदिशा पर अधिकार कर लिया था। तो परमार वंशी शासक आपको बताना है जो कि देवास का शासक विजयपाल ने स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी थी, उनका नाम आपको बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, यशोवर्मन। यानी परमार वंशी शासक यशोवर्मन है, इनके काल में देवास का शासक था विजयपाल, इसने स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी थी। चंदेल सामंत थे मदन वर्मन, इन्होंने विदिशा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न चंदेल शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार पहले के बाद के क्रम के रूप में व्यवस्थित आपको करना है कि पहले किसका क्रम रहा है, उसके बाद में कौन आया था। क्लियर है? तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चीजें आपको देखनी है थोड़ी सी, अब कौन किसके बाद में है इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो देखिये सबसे पहले कौन है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो थे वो थे नन्नू, तो नन्नुक थे, तीन पहले में आएगा, सभी में तीसरा ही आ रहा है पहले में। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि नन्नुक के बाद में कौन आया था, तो नन्नुक के बाद में आया था जय शक्ति। नन्नुक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जय शक्ति था, तो ध्यान रखिएगा तीसरे के बाद में दूसरा आएगा, यानी हमारा ये वाला कैंसिल हो गया फर्स्ट वाला, और ऑप्शन नंबर डी वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट आ रहा है और इसमें भी फर्स्ट आ रहा है हमारा। अब सी और बी दोनों बचे, इन दोनों में कन्फ्यूजन है। एक और आपको निकालना है कि जय शक्ति के बाद में कौन आया था, तो गाइस जय शक्ति के बाद में विजय शक्ति आया था। कौन आया था? विजय शक्ति आया था, तो तीसरे नंबर पर ये हमारा हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। तो 3-2-1 ये हमारा क्रम है, 3-2-1। अब ये देखिए बी में क्या है, 3-2-1, इसमें भी एक है, एक आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आगे और थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना है। अब विजय शक्ति के बाद में कौन आया था, तो विजय शक्ति के बाद में था राहिल। कौन था? राहिल था, तो चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। तो 3-2-1 के बाद में 4 आएगा आपका, क्या आएगा? 3-2-1 और 4, माफ कीजिएगा 5 आएगा, ये 5 है। तो ये बी और सी ऑप्शन में सभी सेम है। क्लियर है? आगे बढ़िए थोड़े से और। राहिल के बाद में कौन आया था, तो राहिल के बाद में आया था यशो वर्मा आया था। यानी हमारा जो दे रखा है सी और बी ऑप्शन में, वापस से आपको मिलान करना है। तो देखिए छठवा है ये, छठवा नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। ये चौथा है, पांचवा है और छठवा है। यशो वर्मन जो है पांचवें नंबर पर आया था, इनके क्रम के आधार पर, बाकी ऑप्शन के आधार पर छठवा दे रखा है, तो छठवा हमें मिलाना है। ये चौथा है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है छठवा है। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा। नन्नुक के बाद में जय सिंह आया था, माफ कीजिएगा जय शक्ति के बाद में आया था विजय शक्ति के बाद में राहिल के बाद में यशो वर्मा, और फिर आया था आपका लास्ट में धंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो विश्वनाथ मंदिर अभिलेख में किस चंदेल शासक के बारे में कहा गया कि कौशल क्रम सिंगल और पुन्नल के राजा उसकी आज्ञाएं सुनते हैं? तो ये जो कहा गया है ये कहा गया था दंग के बारे में, दंग यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने सुदूर उत्तर से कश्मीर तक धावा बोलकर वहां की सेनाओं को नष्ट कर दिया था? तो ये जो चंदेल शासक थे इनका नाम आपको बताना है, ये थे आपके यशो वर्मन, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किस चंदेल शासक ने विशाल सरोवर बेल्व तड़ाक का निर्माण करवाया था? तो बेल्व तड़ाक का जो निर्माण करवाया था विशाल सरोवर ये थी,
इसका निर्माण भी यशो वर्मन ने ही करवाया था, तो सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ से करेक्ट रहेगा। राजा भोज परमार को उत्तर में किस चंदेल शक्ति द्वारा बढ़ने नहीं दिया गया? तो देखिए, राजा भोज परमार को उत्तर में किस चंदेल शक्ति के द्वारा इनको बढ़ने नहीं दिया गया उत्तर की दिशा में, ये आपको क्लिक करना है। सही जवाब रहेगा विद्याधर। विद्याधर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। भोज जो थे इनके उत्तर भारत अभियान को विद्याधर चंदेल ने कच्छपात राजाओं की मदद से अवरुद्ध किया था। तो ध्यान रखिएगा, किस कच्छपात शासक ने राजधानी सिमोनिया से ग्वालियर परिवर्तित की थी? तो ये जो की थी, ये की थी ब्रज दामन ने, ब्रज दामन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर वज्र दामन ने, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णी देखिए, जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियां अंधकार को नष्ट करती है, उसी प्रकार वहां अपने शत्रुओं का विनाश करते थे, यह अभिलेख किस कच्छपात शासक की बात कर रहा है? तो ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? मंगल राज की बात कर रहे हैं, मंगल राज की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है और ये किस देवता से संबंधित है? ये संबंधित है आपका भगवान विष्णु से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सास बहु मंदिर। इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसे कहा जाता है। और कच्छपात शासक थे महिपाल, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। सास बहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। परिवृत्ति परिहार वंश का संस्थापक कौन था? परिवर्ती परिवार वंश की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक नीलकंठ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के यजुपाल राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनके संबंध में जो कथन सत्य है ये है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी गुना के रागोगढ़ में इस वंश का उदय हुआ, ये भी गलत है। संस्थापक नरवर्मन देव था, ये भी गलत है। नरवर्मन देव को मिनहाज सराल ने मालवा का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था, ये भी गलत है। यानी इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है, इसलिए हमारे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, यजुपाल जो वंश था इसका उदय नरवर शिवपुरी में हुआ था और संस्थापक था चारदेव, इसका संस्थापक था चारदेव को मिनहाल सिराज ने मालवा का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जो है, माफ कीजिएगा, राजा जो है नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किस तोमर शासक के दरबार में दामोदर भट्ट नामक संगीताचार्य ने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ लिखा था? संगीत दर्पण नामक जो ग्रंथ लिखा था ये वीर सिंह देव ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। और ये तोमर शासक थे, इन्होंने दामोदर भट्ट नामक संगीताचार्य जो थे, इन्होंने तोमर शासक था वीर सिंह देव, इनके दरबार में ये जो ग्रंथ है लिखा था। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रंथ था ये दामोदर भट्ट नामक संगीताचार्य ने लिखा था और वीर सिंह देव जो शासक थे इनके दरबार में लिखा था, तो ये आप थोड़े से क्लियर कीजिएगा। ग्वालियर दुर्ग में स्थित गणेश पोर नामक दरवाजा किस तोमर राजा ने बनवाया था? तो ये जो दरवाजा बनवाया था ये बनवाया था डूंगर सिंह ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। किस तोमर राजा ने स्वयं की मुगल आक्रमणों से रक्षा के लिए कोहिनूर हीरा जो है ये मुगलों को भेंट कर दिया था? मुगलों को जो भेंट किया था कोहिनूर हीरा, ये अजीत सिंह ने किया था, अजीत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो तोमर राजा था अजीत सिंह, इसने स्वयं के मुगल आक्रमणों से रक्षा के लिए कोहिनूर हीरा था, मुगलों को भेंट कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमीन शाह को दिलावर खां के नाम से विभूषित किया था? दिल्ली के सुल्तान का नाम आपको बताना है, फिरोज शाह तुगलक हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किस मालवा के सुल्तान ने गौग्रोन के खींची राजपूतों को पराजित किया था? ये पराजित किया था होसंग शाह ने, होसंग शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मेवाड़ के किस शासक ने होसंग शाह के पुत्र उस्मान खां को शरण दे उसे चंदेरी के में शासक बनाने का प्रयत्न किया था? तो ये मेवाड़ के किस शासक ने किया था, उनका नाम आपको बताना है, तो राणा कुंभा ने किया था। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे, होसंग शाह का पुत्र था उस्मान खां, उनको इन्होंने शरण दी थी और चंदेरी में शासक बनाने का प्रयत्न राणा कुंभा ने किया था। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी का बीदर अभियान किस शासक के कारण असफल रहा था? तो ये असफल रहा था किसके कारण? महमूद बेगड़ा के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने बहादुर शाह से मालवा एवं गुजरात जीतकर यहाँ की व्यवस्था किसके हाथ में सौंप दी थी? हुमायूं ने सौंपी थी बहादुर शाह से। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने बहादुर शाह से ये जो है मिर्जा अक्सरी को सौंप दी थी, मिर्जा अकबरी अस्करी के हाथों में सौंप दी थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह सूरी के बारे में सही नहीं है, यानी शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई, या शेरशाह द्वारा रायसेन के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए गए, शेरशाह ने मालवा का सूबेदार सुजात खां को बनाया, उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। अब इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, शेरशाह द्वारा रायसेन के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए गए, ये सही नहीं है, बाकी और सभी सही है, और सभी सही है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हुई, शेरशाह ने मालवा का सूबेदार सुजात खां को बनाया था, उसका अधिकारी इस्लाम शाह था, तो ये सभी सही है, बाकी इसका जो है रायसेन के साथ में मित्रतापूर्वक संबंध नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही रहेगा, क्योंकि ये गलत है। मुगल सेना के डर से बाज बहादुर को किस मेवाड़ के राजा ने शरण लेनी पड़ी? तो बाज बहादुर को शरण लेनी पड़ी थी मुगल सेना के डर से, बाज बहादुर को किस मेवाड़ राजा के से शरण लेनी पड़ी थी?
तो इनको राणा उदय सिंह से शरण लेनी पड़ी थी, राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपको अब इनमें से निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो सही कथन है वो पहचानना है। बाज बहादुर महल सारंगपुर में नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये सारंगपुर में है। ले रहे, इसका निर्माण नादिर शाह खिलजी ने करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया था नादिर शाह खिलजी ने करवाया था, तो ये इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर, और इसकी स्थापत्य कला में मुगल और राजस्थानी स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो देखिए हमारा जो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, 1, 2 और 3 ये सभी कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, जो पहचानना है। तो इनमें से देखिए बाज बहादुर महल सारंगपुर में, इसका निर्माण नादिर शाह खिलजी ने करवाया था और इसकी स्थापत्य कला में मुगल और राजस्थानी स्थापत्य कला का मिश्रण है। हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बाज बहादुर का जो महल है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मांडू में स्थित है। और आगे भी आपको याद रखना है नासिर शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, नासिर शाह खिलजी ने करवाया था। मुगल राजस्थानी स्थापत्य कला का मिश्रण ये देखने को मिलता है, मुगल और राजस्थानी स्थापत्य कला का। तो देखिए यहाँ पर बाज बहादुर जो महल है ये आपका सारंगपुर में नहीं है, मांडू में स्थित है, मांडू में ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी इमारतें मांडू में है, औसंग शाह का मकबरा, दिलावर खां की मस्जिद, कलाम कमाल लोमोला मस्जिद, लाटकी मस्जिद। तो इनमें से आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहला और तीसरा, होसंग शाह का मकबरा और लाट और दिलावर खां की मस्जिद, ये जो है ये आपके मांडू में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फारूकी सल्तनत की नींव मालिक अहमद रजा ने रखी, फारूकी सल्तनत का केंद्र मांडू था। सही जवाब जो हमारा रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फारूकी सल्तनत की नींव मालिक अहमद रजा ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फारूकी सुल्तान ने स्वयं को गुजरात से स्वतंत्र घोषित कर वहां कर भेजना बंद कर दिया था, तो ये जो भेजना बंद किया था मीर आदिल शाह ने किया था, मीरान आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। किस प्रमुख निर्णायक युद्ध के पश्चात फारूकी वंश का अध्याय समाप्त हो गया, फारूकी वंश का जो अध्याय समाप्त हुआ था ये आस्टी का युद्ध के बाद में हुआ था, किसके आस्टी के युद्ध के बाद में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस वंश के शासकों को रावण वंशी भी कहा जाता है, रावण वंशी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये गोंड वंश के शासकों को कहा जाता है रावण वंशी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। औरंगजेब के पुत्र बाज बहादुर शाह ने छत्रसाल को कितने का मनसब प्रदान किया था, तो ये औरंगजेब के पुत्र बाज बहादुर शाह ने छत्रसाल को जो मनसब प्रदान किया था ये कितने का किया था, ध्यान रखिएगा ये जो किया था इन्होंने ये किया था 5000 का मनसब इनको प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बुंदेला प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से जो कथन सही है ये आपको क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, प्रशासनिक पद वंशानुगत थे, तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि प्रशासनिक जो पद थे ये वंशानुगत थे, बाकी सभी जो है ये गलत है। किस बुंदेला शासक ने चोरागढ़ के राज्य गोंड शासक प्रेम शाह पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था, तो ये जो परास्त किया था ये किया था जुझार सिंह ने, जुझार सिंह फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किस गोंड शासक ने संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना की, गोंड शासक थे ये, इनका नाम आपको बताना है संग्राम शाह, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। देवगढ़ में गोंड वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जाटवा ने, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कथन आपको पहचानना है। तो गाइस ओरछा की नींव 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी, बिल्कुल सही है। ओरछा पहले प्रतिहार राजपूतों का स्थान था, इसका पुराना नाम गंगापुरी था, तो हमारा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। ये सभी जो है ये आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, किस बुंदेला शासक को साहित्य के क्षेत्र में रस निधि के नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पृथ्वी सिंह बुंदेला को जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मथुरा में केशव राय का सुप्रसिद्ध जो मंदिर है किसने बनवाया था, ये बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। ओरछा रियासत की राजधानी ओरछा के स्थान पर टहरी किस बुंदेला राजा के द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी विक्रमजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी में लिखा कि सुल्तान के 90% घोड़े मर गए थे, यहाँ वीर सिंह का बांधवगढ़ की ओर पीछा करने का कारण हुआ है, तो किस सुल्तान की यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो सुल्तान की बात की जा रही है ये की जा रही है सिकंदर लोदी की, सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अकबर ने राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन को बुलवाने के लिए किसको भेजा था, तो इन्होंने जो भेजा था ये भेजा था जलाल खां कोरची को, जलाल खां कोरची सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बघेल शासक विक्रमाजीत ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी, इन्होंने अपनी राजधानी रीवा को बनाया था, डी ऑप्शन सही हो जाता है। बुंदेला राजा पहाड़ सिंह द्वारा किस बघेल राजा को पराजित किया गया था, तो ये पराजित किया गया था अनूप सिंह को, ध्यान रखिएगा। किस बघेल राजा द्वारा छत्रसाल की बेटी से विवाह करने के कारण अपने छोटे भाई हरि सिंह की हत्या करवा दी गई थी, तो ये जो करवाई थी ये करवाई थी समर सिंह ने, समर सिंह बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बघेल शासन के दौरान पलागो का क्या अर्थ था, इस टाइम पर जो पलागो का अर्थ था ये था अभिवादन।
बगेल प्रशासन में अद्दी किसे कहा जाता था? तो अद्दी कहा जाता था, किसको कहा जाता था? मापने का पैमाना जो होता था इसको अद्दी बोलते थे उस टाइम पर। मेहर दुर्ग की बुनियादी किस बगेल शासक के द्वारा रखी गई थी? मेहर दुर्ग की बुनियादी जो रखी गई थी ये भैरव चंद्र के द्वारा रखी गई थी। पेशो बाजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता करने के बदले में बुंदेला राज्य का कितना हिस्सा बाजीराव को प्राप्त हुआ था? ये जो हिस्सा हुआ था ये एक तिहाई हिस्सा बाजीराव को प्राप्त हुआ था। किसके कारण? पेशवा बाजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता करने के बदले में बुंदेला राज्य का एक तिहाई हिस्सा बाजीराव को मिल चुका था। भोपाल के कौन से नवाब भोपाल एवं इस्लाम नगर स्थान पर रायसेन में लगे थे? तो हमारा जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ये रहेगा नवाब मोहम्मद गोस मोहम्मद खान। सरदार दोस्त मोहम्मद खान मूलतः कहां से था? तो ये एक अफगानी था, ध्यान रखिएगा। हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन आबीर वंश के संबंध में सही है? आबीर वंश के संबंध में सही कथन आपको पहचानना है और सही कथन हो जाएगा हमारा, इन्होंने खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, बिल्कुल की। इससे पूर्व ये राष्ट्रकूटों के अधीन थे, बिल्कुल गलत है। आबीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही जवाब रहेगा। अब आपको बताना है इसमें से कि मग वंश से संबंध सही कथन आपको बताना है। इनका शासन क्षेत्र बघेलखंड था, इनका जो शासन क्षेत्र था ये बघेलखंड था, या फिर इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था, इस वंश के राजाओं के कुषाणों से मित्रवत संबंध थे। देखिए हमारा जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इनका शासन क्षेत्र बघेलखंड में था, इस वंश के राजाओं के कुषाणों से मित्रवत संबंध थे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोधी वंश का शासन था? वैसे बोधी वंश का जो शासक शासन था ये था ओली, देखिए ये जो था ये कहां पर था? बोधी वंश का जो शासन था मध्य प्रदेश में ये जबलपुर में था। कहां पर था? जबलपुर में। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। किस वंश के शासकों को मालवा नाम देने का श्रेय दिया जाता है? तो मालवा जो नाम दिया जाने का श्रेय दिया जाता है ये दिया जाता है ओलिकार को। देखिए मालवा का जो नाम मालवा दिया है ये किसने दिया है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ओलिकार आप याद रखिएगा। कनिष्क के पुत्र वासिक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? ये अभिलेख सांची से मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धनिक धनंजय एवं पद्मगुप्त जैसे कवि कलाकार किस राजा के दरबार में थे? तो ये जो कवि कलाकार थे ये थे मुंज के दरबार में। मध्य प्रदेश में गुहिल वंश का शासन कहां पर था? तो गुहिल वंश का जो शासन था ये मंदसौर में हुआ करता था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में था? तो ये थे आपके महेंद्रपाल के दरबार में। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह भिखारी को किस सुल्तान ने संरक्षण दिया हुआ था? तो ये संरक्षण दिया हुआ था आदिल खान ने। कौन से सूफी संत बाजन उपनाम से कविता लिखते थे? बाजन उपनाम से जो कविता लिखते थे सूफी संत का नाम है हजरत शाह भाउद्दीन। अशोक की पुत्री संगमित्रा का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक की पुत्री संगमित्रा का जन्म उज्जैन में हुआ था। वल्लभी के मित्रक वंशी शासक किस धर्म को मानते थे? तो ये मानते थे बौद्ध धर्म को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर के पति कौन थे? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के जो पति थे इनका नाम है खांडेराव। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। किस बुंदेला राजा ने अपने छोटे भाई को शक के आधार पर विष दिलवाकर मार डाला था? उस छोटे भाई को आज भी बुंदेलखंड में देवता माना जाता है, उसका नाम आपको बताना है। जुझार सिंह बुंदेला हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सागर नर्मदा टेरिटरीज का मुख्यालय अंग्रेजों ने बनवाया था, कहां पर बनाया था? सागर नर्मदा टेरिटरीज का मुख्यालय अंग्रेजों ने बनाया था सागर में। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा। बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन बघेलखंड बुंदेलखंड के किस राजा ने किया था? तो ये जयपुर के परिषद ने किया था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रांत और बरार के हिंदी क्षेत्रों के लिए किसके नेतृत्व में स्वराज दल का गठन हुआ था? स्वराज दल का जो गठन हुआ था ये हुआ था ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में। किसके प्रयासों से 1888 में नागपुर में गो रक्षण सभा की स्थापना की गई थी? ये सभा की स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से। मध्य प्रदेश में सागर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सागर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्दुल गनी ने। उज्जैन में मुकुंद सखाराम भांड ने किस शहीद क्रांतिकारी का चित्र बनाया था जो कि दिसंबर 1930 में बनाया गया था और लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन था इसमें खूब बिका था? तो ये किसका बनाया था? इन्होंने बनाया था यतेंद्र नाथ का बनाया था। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र उसके प्रकाशित होने वाले स्थान से सुमेलित नहीं करता है? तो इसमें से ये हिंदी जो मास्टर है ये आपका सागर से नहीं होता है, हिंदी मास्टर जो समाचार पत्र है नरसिंहपुर से होता है, बाकी सभी सही है। भोपाल की किस बेगम को अंग्रेजों की निष्ठापूर्ण सेवा के बदले में वायसराय केनिंग ने बेरसिया परगना दिया था? तो ये जो बेरसिया परगना दिया था ये कुदसिया बेगम को दिया था, ध्यान रखिएगा, कुदसिया बेगम को दिया था। 1st ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भोपाल की किस बेगम ने भोपाल के हज यात्रियों के लिए मक्का मदीना में इमारतों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था सिकंदर जहां बेगम ने। केंद्रीय पुस्तकालय भोपाल की स्थापना किसने की थी? केंद्रीय पुस्तकालय भोपाल की जो स्थापना की थी सुल्तान जहां बेगम ने की थी। किस सिंधिया शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर परिवर्तित की थी? तो ये सिंधिया शासक थे, इनका नाम था दौलत राव सिंधिया। वाकाटक वंश के शासक विंध्य शक्ति प्रथम ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासन किया था? इन्होंने शासन किया था विदिशा में। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
ये इसका निर्माण सिंधिया शासकों के द्वारा करवाया गया था। किस आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गुलाब सिंह पटेल शहीद हो गए थे? तो ये शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कवि मयूर राज किस वंश से संबंधित है? सही जवाब रहेगा कलचुरी वंश है। किस युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो ये नरई का युद्ध था, ध्यान रखिएगा, जिसमें रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी। निम्न में से कौन सा शासक देवगढ़ की गोंड शाखा से संबंधित नहीं है? देवगढ़ की गोंड शाखा से संबंधित हृदय शाह नहीं है, बाकी भक्त बुलंद, चांद सुल्तान, केसरी शाह, ये सभी संबंधित है। किस राजपूत राजा के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे का अंग्रेजों ने पकड़ लिया था? तो ये पान सिंह के विश्वासघात के कारण हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंग्रेजों की रीवा राज्य से संधि करने का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो मुख्य कारण था ये था पिंडारी समस्या। बेन वंशी शासक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा सिंगरौली। रीवा के किस राजा ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सहभोज प्रथा को प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था गुलाब सिंह ने। निम्न में से किसने बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार राजा पालीचंद जेतपुर को गिरफ्तार करवाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये की थी, किसने की थी? ये की थी लड़ाई सरकार ने, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भोपाल में से 1857 की क्रांति का बिगुल किसने फूका था? भोपाल से फूका था फाजिल मोहम्मद खान ने। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए थे? बालाघाट से ये प्राप्त हुए थे, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी पंजाब मेल हत्याकांड में शामिल नहीं था? पंजाब मेल हत्याकांड में इनमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? सही जवाब रहेगा गुलाब सिंह पटेल। किस परमार वंश शासक ने हूनों को पराजित किया था? तो ये मुंज ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन चंद्रशेखर आजाद के संबंध में असत्य यानी गलत है? सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वे सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने में प्रत्यक्षता शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्षता शामिल थे, ये कथन आपका गलत है क्योंकि ये शामिल नहीं थे, बाकी आपके सभी जो है सही है। तो हमारे जो है गाइस, हमने टॉप 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट यहाँ से कवर कर लिए हैं। और गाइस अगर आप ऐसे ही चाहते हैं टॉपिक वाइज सुपरफास्ट 100 की सीरीज, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लगातार लेकर आते रहे। गाइस आप एक बार जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सभी के डेमो आप जाकर चेकआउट कीजिएगा, आई थिंक आपको जरूर से पसंद आएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको स्टोर वाले सेक्शन पर जाएंगे तो सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय जरूर से दे, ताकि हमें सपोर्ट मिले और पता भी चल पाए कि एक्चुअली में आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।